हेलो एवरीवन, सो ऑन ओकेजन ऑफ 1 ईयर यूट्यूब एनिवर्सरी आज का वीडियो है बैकपैक कॉम्पिलेशन पे, और मैंने टाइम स्टैम्प भी दे रखा है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को एज पर योर चॉइस। ब्रांड का है, इसकी MRP 1099 है, बट ड्यूरिंग सेल ये 500-700 के बीच में मिल जाता है। पहले इंप्रेशन के अकॉर्डिंग साइट पर जैसा दिखाया था उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ही प्यारे टेसल्स लगे हुए हैं नियॉन कलर्स में। क्वालिटी ठीक है, जल्दी टूटेंगे नहीं ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मल्टी कलर्स में ज्योमेट्रिक पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी दी गई है, पास से देख लेते हैं क्वालिटी। मिरर टाइप मटेरियल लगा है, मिरर रियल नहीं है, बट एम्ब्रॉयडरी पैटर्न टेसल सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। लुक बहुत ही बढ़िया बन रहा है। इस बैग में मेन कंपार्टमेंट एक ही है, ऊपर की साइड स्ट्रैप्स लगे हुए हैं, साइड में भी स्ट्रैप्स लगे हुए हैं, सो वी कैन कैरी वेल। इन स्ट्रैप्स का लुक थोड़ा लेदर मटेरियल टाइप है, इनकी क्वालिटी अच्छी है। मेन कंपार्टमेंट में ऐसी चेन दी गई है, दो है, और पकड़ने का उसका बहुत ही अच्छा लेदर टाइप बनाया हुआ है जिससे हम इजीली उसको ओपन कर सकते हैं। अंदर से देख सकते हैं बहुत सारी जगह है। इसकी स्टिचिंग अंदर से भी प्रॉपर की गई है, उससे लगता है कि हाँ जो ब्रांड नेम है उसको पूरा जस्टिफाई करता है। यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पे टविशा लिखा हुआ है, माइट बी मैक्स ब्रांड इसको ओन करता हो। यहाँ पे जिप दी गई है क्योंकि एक और जेब लगी हुई है, मीन्स अंदर की साइड दो जेब है। फैब्रिक अच्छा है जो अंदर की साइड लगाया गया है, स्टिचिंग वगैरह देख सकते हैं, प्रॉपर स्पेस मेंटेन की गई है। नेक्स्ट बैकपैक लावे ब्रांड का है। आई एम नॉट श्योर अबाउट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस ब्रांड, बट इट्स LAVIE। ये बहुत ही प्यारे रेड कलर में आता है। फर्स्ट आई वॉन्ट टू मैंशन, ये अभी तक का मेरा सबसे अच्छा बैकपैक है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। बात कर लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के बारे में। LAVIE ब्रांड लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले मेजरमेंट ही देख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाएगा कि उसके अकॉर्डिंग ये कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं इट्स अप्रोक्स 17 इंच, मीन्स उससे बहुत बड़ा है, और प्रॉपर भी इसमें सामान आ जाएंगे। एंड डेप्थ इज़ ऑल्सो 7 समथिंग। इसका फेब्रिक पॉलिस्टर का है। फेब्रिक इस तरह का लग रहा है कि अगर बारिश वगैरह आएगी, गीला होएगा, तो पानी इस पर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होएगा। पास से देख सकते हैं क्वालिटी, इस टाइप का मटेरियल है। यहाँ पे ब्रांड नेम दे रखा है, ब्रांड नेम मेंशन कर रखा है इधर भी। यूट्यूबर सोनिया गर्ग मैम से इंस्पायर्ड है, उन्होंने ये आजियो हॉल में वाटरमेलन बैग दिखाया था, सो आई ऑल्सो बोट। इसकी साइज इनफ है टू कीप स्मॉल थिंग्स। ये यूनिक स्टेटमेंट बैग है जो अलग ही हटके दिखता है। इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी में देखिए कितना अच्छा है ये।
कलर बहुत ही परफेक्ट है और जो सीट्स बनाए गए हैं वो भी एकदम परफेक्ट बनाए गए हैं। ये मैंने आजियो से नहीं लिया, जहाँ से लिया है उसकी डिटेल मैं एट द एंड ऑफ वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसकी जिप रेड कलर की है और अंदर का मटेरियल देखिए कितना अच्छा है। एज पर मी इट्स वेरी गुड परचेज, एज पर मी इट्स 10 out of 10, मुझे बहुत ही क्यूट और प्यारा लगा ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट को हम 3 ways में स्टाइल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे टेडी बियर पैटर्न में है। जो इसकी जिप है वो गोल्डन कलर की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दी गई है। अंदर का जो मटेरियल है वो थोड़ा थोड़ा लेदर टाइप लुक देता है। इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कलर बहुत ही प्यारा है। ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है, कलर का जो ग्रेडियंट आ रहा है, कितनी शाइनिंग आ रही है इसमें। इसमें ये जो चेन है वो बैग में ही आई थी, तो अगर नहीं लगाओगे तो ये हैंड बैग बन जाएगा। चेन लगा दोगे, अगर दो में टक कर दोगे तो स्लिंग बैग बन जाएगा, और पीछे की साइड एक और दे रखा है तो तीनों में टक कर दोगे तो ये बैकपैक बन जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा और इतना क्यूट और अलग सा लग रहा है, तो मेरे एज पर मी इट्स वेरी गुड परचेज। ये देखिए इस टाइप से दे रखे हैं। ऐसे यूनिक हटके और जो क्यूट बाइक्स होते हैं वो अलग से ही आपको लुक देते हैं, और अगर आप कहीं भी जाते हो तो अलग से ही आप दिखते हो और बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट पीस या फिर यूनिक बाइक लगता है। सो इट्स ऑल्सो गुड परचेज फॉर मी। नेक्स्ट जो बैग है वो भी क्यूट सा है, वो पांडा पैटर्न में है। ये देखिए इस तरह से वाइट और ब्लैक में पांडा पैटर्न बनाया गया है। इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है। डिटेलिंग की बात करेंगे तो आईज बहुत ही अच्छे से बना रखी है, पीछे की साइड से ये ऐसा दिखता है। आइए इसकी जिप को ओपन करके देख लेते हैं कि अंदर का मटेरियल कैसा है। जो जिप है वो वाइट कलर की है, तो जिप को ओपन करके दिखा रही हूँ कि अंदर का मटेरियल कैसा है। तो इसका भी उसी की तरह बहुत ही अच्छा मटेरियल है जैसा कि वाटरमेलन का था। एज पर मी इट्स ऑल्सो वेरी गुड और वेरी क्यूट। नेक्स्ट प्रोडक्ट थोड़ा स्लिंग बैग टाइप का है, और ये थोड़ा बेबीज वगैरह और जो बेबी गर्ल्स होती हैं उनको ज़्यादा पसंद आएगा, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कलर बहुत ही अच्छा स्काई ब्लू दे रखा है और उसके ऊपर यूनिकॉर्न बना हुआ है। इसको ओपन करके देखेंगे तो इस टाइप बटन और यूकेन से जो भी ये इसको बोलते हैं वो दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अंदर का मटेरियल इसका बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि ये थिक पैटर्न का भी है, बहुत ही अच्छा इसका अंदर का मटेरियल है। इसका जो फ्लैप है वो थोड़ा सा कड़क टाइप का है, मतलब इट्स नॉट लाइक कड़क बट इतना मुलायम नहीं है, क्योंकि उसको स्टडी बनाना था इसके लिए ऐसा बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी मुझे। इसको कैरी करने के लिए कोई चेन वेन नहीं है, इसी फैब्रिक का बनाया गया है। इसमें बहुत ही सारे कलर अवेलेबल थे, लाइक येल्लो, लाइक पिंक, लाइक ऑरेंज, सो इट्स वेरी गुड कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे बैग्स मैंने फेबुली गैलेक्सी शॉप से लिए हैं और हम इनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये बैकपैक कॉस्मस ब्रांड का है, इसकी जो प्राइस है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। अगली क्लिप में मैं सिर्फ बैग दिखाऊंगी ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो सके कि ये कैसा आया है। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ जहाँ पे मैं आपको बैकपैक शो कर रही हूँ और अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये ब्लैक कलर का फ्री रेन कवर और यूकेन से प्रोटेक्टेड कवर आता है, जो कि बॉटम जिपर पॉकेट में रखा होता है। ये मैंने इसको वियर करवा रखा था इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, मैं इसको निकाल के दिखा रही हूँ। इट्स वेरी गुड क्योंकि ये बचाता है हमारे बैग को रेन से, और जब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तब इसको डस्ट से भी बचाता है। मैं इसको अगेन फोल्ड करके जो बॉटम में जिपर पॉकेट दे रखा है उसमें डाल रही हूँ, सो देट यू कैन गेट आइडिया कि ये कहाँ से निकला था और इसको कहाँ रख सकते हैं जब इसका यूज़ ना हो। ये अच्छा खासा स्पेशियस बैग है, यू कैन सी इट्स विड्थ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। फर्स्ट कंपार्टमेंट आगे की साइड ऐसा दिया गया है, इनफ स्पेस है एज पर फ्रंट पॉकेट। जो जिप की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, मोटे मटेरियल की है तो इजीली ब्रेक नहीं होगी। फ्रंट कंपार्टमेंट के बाद जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है उसके स्पेस पिछली वाली से ज़्यादा है। इसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट और ऑर्गेनाइज्ड पॉकेट्स दे रखे हैं, सो दैट यू कैन कीप फोन, स्टेशनरी आइटम एंड मेनी मोर अदर आइटम्स एज पर देयर कैटेगरी एंड देयर रिक्वायरमेंट।
अगेन वॉन्ट टू मैंशन कि जो इसकी जिप क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, दो जिप दे रखी है और वो भी बहुत ही अच्छे मटेरियल की दे रखी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट दे रखा है जो कि सेकंड लास्ट कंपार्टमेंट है वो भी बहुत स्पेशियस है और वहाँ पे हम बहुत ही नंबर ऑफ बुक्स रख सकते हैं और अगर आपको कुछ और सामान रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। इसकी जो मेजरमेंट्स है वो मैं आपको बाद में इसी वीडियो में मेंशन करूँगी, सो डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। जो नेक्स्ट एंड लास्ट कंपार्टमेंट है वहाँ पे कुशन पॉकेट दे रखा है जो कि आपके लैपटॉप को सिक्योर करता है, टाइट करता है और वहाँ पे एक फ्लैप भी दे रखा है जिससे आप उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। इवन आप मूव कर रहे हैं तो भी जो आपका लैपटॉप है वो सिक्योर रहेगा। इसकी जो स्ट्रैप्स है वो बहुत ही थिक है और वेल पैडेड है जिसकी वजह से हमें बिल्कुल भी इशू नहीं होता है जब हम इसको कैरी करते हैं। बहुत ही ब्रीदेबल और एडजस्टेबल भी है ये और इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हम हेवी चीज़ को उठा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा कुशन जो दे रखे हैं ये हमारे बैक को सपोर्ट करते हैं जिससे अगर हम हेवी चीज़ भी उठा रहे हैं तो हमको बिल्कुल भी इशू नहीं होता है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि पूरा हमारा ध्यान रखा गया है फॉर कम्फर्ट एंड गुड सपोर्ट। इसमें दोनों साइड की तरफ जिपर पॉकेट दे रखी है। इसमें से एक पॉकेट में स्पेशल बात यह है कि वाटर बॉटल होल्डर दे रखा है विथ लॉकिंग फीचर जो कि ये लॉक कर देता है हमारी वाटर बॉटल को। अदर साइड जो साइड पॉकेट है उसमें ऐसा फीचर नहीं है लॉकिंग का, बट ये भी स्पेशियस है और जिप दे रखी है जिससे हम इसको बंद कर सकते हैं। स्पेस आप देख सकते हैं, इनफ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजरमेंट्स क्योंकि उससे ही हमें आइडिया होता है कि ये कितना बड़ा आएगा और कितना विड्थ है इसका। सो साइड पे इसकी हाइट दे रखी है 18.75 इंच, सो लेट्स मेजर इट, अप्रोक्स उतनी आएगी तो ठीक है। अगर देखा जाएगा तो 18 समथिंग आ रही है। पीछे की साइड से भी इसको मेजर कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए, 18 समथिंग आ रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विड्थ, विड्थ 9.5 दे रखी है, लेट्स मेजर इट, 8 आ रही है। माइट भी मैं इसमें कुछ सामान रखूँ तो 9 बन जाए, बट हाँ एटलीस्ट 8 तो है ही सही। इसकी डेप्थ भी दे रखी है जो कि 12 समथिंग बता रखी है, बट आई हैव नॉट मेजर्ड इट बिकॉज आई थॉट कि यही मेजरमेंट देना होता होगा। सो इसमें फीचर्स बहुत अट्रैक्टिव है, लाइक कुशन लैपटॉप कंपार्टमेंट है, 3 बिग कंपार्टमेंट्स है, वाटरप्रूफ है, साइड की जो जिपर पॉकेट है उसमें लॉकिंग फीचर है एटसेट्रा। As per me, it's a very good purchase and you can also purchase it if you need and if your requirement is like this. ये बैग स्काई बैग ब्रांड का है तो ब्रांडेड होने की वजह से मेरे एक्सपेक्टेशंस तो थे ही सही कि ये अच्छा आना चाहिए। तो आइए पहले उसको चेक भी कर लेते हैं कि ये ऐसे ब्रांड सही आया भी है या नहीं आया है। इस बैग की प्राइस में से 3000 समथिंग लिखी हुई है, बट उस पर नहीं आया था, जितने में मैंने मंगवाया था वो प्राइस में मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे ताकि आपको पता लग पाए कि मैंने कितने में मंगवाया था इसको। उस वक्त आई थिंक कुछ ऑफ वगैरह नहीं चल रहा था, बट हमने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें उस वक्त नीड थी। तो आइए इस पॉली बैग को ओपन करके देख लेते हैं ताकि हमें दिख सके हमारा जो बैग है वो सही आया है या नहीं आया है। तो ये मार्वल का मंगवाया है मैंने, बच्चों का आजकल बहुत क्रेज है मार्वल एवेंजर वगैरह इन सब का, दैट्स व्हाई मैंने उसी का मंगवाया है। तो ये ब्लू एंड रेड कलर में मंगवाया हमने, स्काई बैग का यहाँ पे पूरा टैग वगैरह दे रखा है तो ये लगता है कि ऑथेंटिकेटेड आया है, मतलब रियल लग रहा है कि हाँ उसी ब्रांड का है। मैं यहाँ पे मेजर करके आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने इंच का है। आप ऐसा कंसीडर करके चलिए कि ये स्कूल किट के लिए मंगवाए ना कि कोई ऑफिस गोइंग बॉय वगैरह है। तो ये मैंने यहाँ पे मेजर करके दिखा दिया है, स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी कि कितना आया था। ऐसा ही मेरा एक्सपेक्टेशन था, इतना ही मैंने लेंथ वगैरह एक्सपेक्ट करी थी और उतना ही आया है। यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो एवेंजर वगैरह का ही बना हुआ है और देखिए यहाँ पे जिप पे भी ए बना हुआ है जो कि एवेंजर को डिनोट करता है। अंदर की साइड लाइट ब्लू कलर में है जो अंदर का मटेरियल है। वैसे इसका आउटर मटेरियल पॉलिएस्टर का बताया गया है। ये फर्स्ट फ्रंट कंपार्टमेंट था, उसके बाद में नेक्स्ट जो कंपार्टमेंट है वो शो करूंगी। यहाँ पे अगेन देखिए स्काई बैग एवेंजर वगैरह लिखे हुए हैं तो ब्रांडिंग पूरी प्रॉपर करी उन्होंने। जिप देख सकते हैं इस टाइप से बना रखी है इन्होंने।
जो फ्रंट पॉकेट है उसके बाद जो ये वाला पॉकेट है उसमें भी अच्छी खासी स्पेसिंग है, ब्रांडिंग वगैरह की गई है, हम आराम से चीज़ें रख सकते हैं, बुक्स वगैरह भी रख सकते हैं। बट हाँ, इतनी नहीं आ पाएंगी इस फ्रंट वाले में, बट और चीज़ें रख सकते हैं। जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें 2 जिप दे रखी है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो इसमें तो आसानी से आपकी सारी बुक्स वगैरह आ सकती है। मैं आपको बुक्स वगैरह डाल के भी दिखाती, बट जैसे मैं हमेशा दिखाती हूँ, बट इस बार मेरे पास थी नहीं और जल्दबाजी में ये करना था इसलिए मैंने दिखाया नहीं, बट आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है ये। अगेन ब्रांडिंग कर रखी है, जो अंदर का मटेरियल है दैट इज़ ऑसम, सो नो इशू इन दिस ऑल्सो। ईजिली ये बंद हो रही हैं। यहाँ पे ग्रिप करने के लिए बहुत ही अच्छा होल्डर दे रखा है, तो हम अच्छे से इसको होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और ये लास्ट कंपार्टमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे आप लैपटॉप भी रख सकते हो, बट यहाँ पे फ्लैप मतलब वो जो वेलक्रोन वाला जो होता है ना कवर, वो नहीं है, यहाँ पे आप रख सकते हो। और अगर किट्स वगैरह के लिए, क्योंकि यूज़ कर रहे हैं हम इसको, तो फाइल वगैरह आ जाएंगे, या फिर अगर आपके जो क्राफ्ट वाले आइटम्स हैं वगैरह, जो भी शीट्स वगैरह हो सकती है, वो सब आ जाएंगे, तो अच्छा खासा है ये भी। साइड पॉकेट की बात करेंगे तो साइड में ये इस टाइप से दे रखा है, इलास्टिक वाली दे रखी है, बट जाली वाली है एक साइड में, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ड्रिंक कप यानी बोतल आप रख सकते हैं। इधर की साइड इलास्टिक वाली है, बट कपड़े का दे रखा है ना कि जाली वाला, तो वहां पे भी आप सामान आसानी से रख सकते हैं। पीछे की साइड अच्छे से कुशनी और पैडेड आपको बैक सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए एवेंजर्स लिखा हुआ है स्ट्रेप्स पे, स्ट्रेप्स पे भी कुशन और पैडेड आपको मिल जाएगा। जो यहाँ पे दे रखा है उसमें भी ए लिखा हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अगेन यहाँ पे होल्ड करने का है, तो आप होल्ड भी इजीली कर सकते हैं। अगेन मैं आपको ये पूरा बैग शो कर देती हूँ, जो मैंने इसके क्लिप्स लिए हैं उसके थ्रू, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसा लग रहा है। एज पर मैं, इट्स अ वेरी गुड परचेज, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही आया है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। अदर डिटेल्स आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूरत पे ही शॉपिंग करें। सेफ रहे, टेक केयर, बाय।